Hello student, welcome once again SDSBM online class Batha. Today we have a class 7, chapter number 3, topic weather climate adaptation of animal to climate. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लाइमेट के लिए, वेट हॉट क्लाइमेट के लिए. आज हम लोग बात करेंगे कि माउंटेन रीजन की किस तरह से परिस्थिति है और वहाँ पर किस तरह के समस्याएं और किस तरह से वहाँ पर रेनफॉल रिसीव होता है. बात आती है स्टूडेंट माउंटेन. माउंटेन को तुम लोग जानते हो, पर्वत भी कहते हो, शिखर चोटी अर्थात ऊंचा स्थान. तो स्टूडेंट, ऊंचा स्थान होने के चलते वहाँ पर जाहिर सी बात है कि लो एरियाज के चलते ज़्यादा वहाँ पर रेनफॉल रिसीव करेगा, क्योंकि वो ऊँचा है और इस तरह से उल्लू हाई रेनफॉल को रिसीव करेगा. तो ये रिसीव मोर रेनफॉल देन लो लाइंग एरिया बिकॉज द टेम्परेचर ऑन द टॉप, जो तापमान होता है ऊपर में, वो बेसिकली इज लोअर, कम होता है देन द टेम्परेचर एट द सी, समुद्र के तापमान से. तो जाहिर सी बात है कि जो ऊंचा वाला जो क्षेत्र है वो उसका तापमान कम होता है और यही कारण है कि जो हिमालय के पर्वत है चाहे बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर सालों भर बर्फ जमी होती है. दूसरी बात ये आती है कि जो माउंटेन्स होते हैं वो रिसीव करते हैं हाई माउंटेन की रेनफॉल, तो वहाँ पर वेजिटेशन भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात यूँ कहें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वनस्पति होगी माउंटेन पर ही होती होगी. रामायण काल में भी सुना होगा, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो हिमालय पर्वत से ही जड़ी बूटियों को लाया गया था. तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जड़ी बूटियाँ ये वनस्पतियाँ ज़्यादा होती हैं. अब स्टूडेंट बात आती है कि आखिर नेचुरल वेजिटेशन किस कारण से इफेक्ट हो रही है क्लाइमेट, जलवायु में कैसे उसका भी दिक्कत आ रही है, कैसे इफेक्टेड हो रही है. तो दो एक्टिविटी है, ये दोनों एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड की गई है, अर्थात यूँ कहें तो ह्यूमन अर्थात उसके द्वारा, ह्यूमन माने जो हम लोग हैं आदमी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही ये क्षतिग्रस्त हो रही है. तो पहला कारण है कि लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज. पहले स्केल में हम देखते हैं कि जब हम लोग वनों को काटते हैं इट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग इंड करते हैं. तो जब नेचुरल वेजिटेशन को इंड करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन का रिसीव कम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत. अब चूंकि वन के बारे में तुम लोग चैप्टर इसी में पढ़ोगे, लास्ट चैप्टर है फॉरेस्ट के बारे में, तो उसमें बताएंगे फॉरेस्ट से हमको तरह तरह के भोजन भी मिलते हैं. नेचुरल हैबिटेट होता है किसके लिए, नेचुरल जीवों के लिए जो नेचर्स में है. उसके बाद से इससे वनों से हमें औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं. तो स्टूडेंट, हम लोग वनों को काट करके हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और साथ में जब ऑक्सीजन की एबिलिटी कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है, गर्म गैस है. गर्म गैस होने के चलते जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. और बढ़ने के बाद जो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी है वो बेसिकली जो होता है वो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है. अब स्टूडेंट बात आती है कि किसी जगह पर तुम लोग देखते हो कि ज़्यादा बारिश हो गई, किसी जगह पर कम बारिश हो गई, ऐसा क्यों होता है. तो ये सीधे कारण यही है इसको कि हम जो वनों को काट देते हैं तो इसको प्रकृति में असंतुलन हो जाता है और इसके चलते कहीं ज़्यादा मात्रा में जल की बारिश होती है और कहीं पर कम मात्रा में बारिश होती है, औसतन बारिश नहीं होती है. दूसरी बात यह है कि जब हम वनों को काटेंगे तो ऑक्सीजन गैस भी कम होगा. ऑक्सीजन गैस भी कम होगा तो कार्बन का इमिशन बढ़ेगा, कार्बन का इमिशन बढ़ने के चलते गर्मी बढ़ेगी. तो उस तरह की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. अब ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा यहाँ से समझने का प्रयास किया जाए, वैश्विक तापमान क्या होता है. तो ऐसी परिस्थिति जिसमें एटमोसफेयर में इंक्रीज CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए एटमोसफेयर में और इसके चलते जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, उस परिस्थिति को, उस प्रक्रिया को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे अर्थात वैश्विक तापमान कहेंगे.
अब बात आती है कि वैश्विक तापमान में कितने तरह की फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी चिमनी हो गई, सीएफसी गैस हो गया, रेफ्रिजरेटर एसी वगैरह से निकलने वाला, फिर कार्बन एमिट्स पार्टिकल्स हो गए गाड़ियों से निकलने वाले, ये सारे के सारे चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी बात ये है कि हम जब गाड़ियों को चलाते हैं तो उसमें से कार्बन के पार्टिकल्स निकलते हैं और वो कार्बन पार्टिकल्स हमारे सेहत के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले अपने को स्वस्थ रखें और इन्वायरमेंट को भी स्वस्थ रखें। तो स्टूडेंट, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, ओवर पढ़ाने का मतलब ये। दूसरी बात यह है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन माने औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है? अब जैसे फैक्ट्रियां पर फैक्ट्रियां खोल दिए, चिमनी खोल रहे हैं, माने जितने भी उद्योग कारखाने हैं जब ज़्यादा स्केल में खोलेंगे तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाएगा। और इतना देखो, जितना इंडस्ट्री खोला जाएगा उतना ही फ्यूल कंजप्शन होगा, तो फ्यूल कंजप्शन में उतना ही, जब फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा अर्थात उतना ही उसको फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए चलाने के लिए, तो उतना ही इंडस्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी और वो सारी इंडस्ट्रियों की संख्या सारे पोल्यूटेंट एजेंट को बढ़ाएगी। ऐसे में क्या होंगे कि जो एटमोसफियर है वो हमारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, फिर उसमें से वाटर पोल्यूशन भी होगा, सॉयल पोल्यूशन होगा, और जो जो फैक्ट्रियाँ चलेंगी उसके चलते साउंड पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। देख तो आजकल बच्चों के अंदर डिफनेस की भी शिकायत आ रही है, डिफनेस की शिकायत होने के चलते वो बहरे हो जा रहे हैं, आँखों में जलन होती है, एलर्जी होती है, ये सारी समस्याओं का जड़ क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये दोनों फैक्टर, लार्ज स्केल ऑफ कटिंग भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? अफेक्टिंग क्लाइमेट के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स बात करेंगे पोलर रीजन के, क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन के लिए और पोलर में जो पाए जाते हैं जीव के लिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।